मोहनपुर सीओ और नगर आयुक्त की पनाह में भूमाफियाओं का मनोबल इतना बढ़ गया है कि अब सरकारी जमीन जो खतियान में प्रतीक आदिम कहकर दर्ज है उसे गैर कानूनी तरीके से बेचा जा रहा है। दरअसल यह पूरा मामला पुंसिया मौजा के प्रतीक आदिम जमीन का है, जहां सरकारी बाबुओं की मदद से भूमाफियाओं द्वारा अवैध निर्माण कराया जा रहा है। खबर यह भी है कि मोहनपुर अंचलाधिकारी की मिली भगत से भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन का बंदोबस्त कराने के बाद उसे बेचना शुरू कर दिया है। इस बात की भनक जब वहां के रैयतों को लगा तब जाकर मामला उजागर हो पाया। वहीं पार्षद सुधीर महता ने अवैध निर्माण के विरुद्ध देवघर नगर निगम और मोहनपुर सीओ को इस बात की जानकारी देने के बाद भी सरकारी अधिकारियों ने इस पर संजीदगी नहीं दिखाई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? अधिकारी जनता की शिकायतों को क्यों दरकिनार कर रहे हैं? लोगों ने इसकी जांच की मांग की है। मेरा नाम है सुधीर पासी, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 26 का। ये जमीन जो देखें आप, ये जमीन सरकारी है नगर निगम का। जो हम लोग रोकने के लिए गए तो बोला कि हम नगर निगम से बात कर लिए। हम नगर निगम में जब सूचना दिए तो नगर निगम कोई रिक्वेस्ट नहीं लिए, बोले तू जिसका जमीन बंदोबस्त किया उसी का रहेगा। तो हम बोले सर जब नगर निगम नहीं ले रहे हैं तो पार्षद क्यों दुश्मनी लेंगे लोगों से? आजकल भूम माफिया तो सबको जान लेते हैं। ये दूर दरार से भूम माफिया आए हैं, बरमसिया के हैं, कोठिया के हैं, कोई मोहल्ला के हैं, कोई आस पास पड़ोसी का हैं, मगर मेरे पुंसिया का कोई नहीं है इनमें। और सारे लोग घेराबंदी कर रहे हैं। ये तो रैयती जमीन, रैयती जमीन है यहाँ। हम लोग बचपन से देखते हुए आ रहे हैं ये जमीन पे, कहीं कुछ तरह का आज तक नहीं देखे। कौशल विकास बनवाए, विरोध नहीं हुआ। तो अगर उसका बंदोबस्ती रहता तो कौशल विकास में बंदोबस्ती करवा लेता हूँ, उसमें विरोध होता मेरा, हमको रोक देता हूँ। क्यों नहीं रोके भाई? आज कहते हैं लोग हम बंदोबस्त करा लिए। कैसे बंदोबस्त करा लिए? ये पेपर हम मांगने गए उससे, बोला आप पेपर देखने वाले कौन होते हैं? तो हम डरे मारे घर घुस गए। क्या करें, लोगों से लड़ नहीं सकते हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं जैसे खुला जमीन रहना चाहिए। नगर निगम से कोई भी भवन बनेगा इनमें लोगों को सेवा करने के लिए हम बनाएंगे। तो हम लोग देख रहे हैं दादा परदादा बोल रहे हैं खास जमीन है, ठीक ना? ये मतलब क्या ये होना चाहिए यहाँ का रैयत का होना चाहिए? अगर बंदोबस्त भी कराएं तो यहाँ का रैयत का होना चाहिए, ब्रोकर को तो नहीं होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है? अभी ये बन रहा है, बाउंड्री वॉल हो रहा, मकान बन रहा। क्या होना चाहिए इसमें? क्या होना चाहिए? जो सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन रैयत को होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।